नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी क्वेरी है वो है विद रिस्पेक्ट टू डिवोर्स लॉज। तो देख लेते हैं आज की क्वेरी क्या है। तो द क्वेरी इज आफ्टर फाइलिंग डिवोर्स पिटिशन कैन हस्बैंड लीव द कंट्री। तो ये कहते हैं, राइट नाउ आई एम लिविंग इन इंडिया एंड रिसेंटली गॉट पीआर इन कैनेडा। द क्वेश्चन इज दैट बिफोर आई गॉट माई पीआर, मी एंड माई वाइफ वर प्रिटी मच श्योर अबाउट गेटिंग डिवोर्स्ड, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन नीदर ऑफ अस टुक एन इनिशिएशन एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड माई पेंडिंग पीआर फाइल गॉट अप्रूव्ड एंड नाउ आई एम वॉन्टिंग टू लीव द कंट्री इन अ कपल ऑफ मंथ्स एंड नाउ आई एम नॉट श्योर इफ द डिवोर्स विल बी हैपनिंग बाई म्यूचुअल कंसेंट और नॉट। सो इन दिस केस कैन आई लीव द कंट्री ड्यूरिंग द ऑनगोइंग डिवोर्स प्रोसीजर? मोर ओवर इज इट अ कंपल्शन फॉर मी टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट ड्यूरिंग ऑल हियरिंग्स एंड हाउ मेनी हियरिंग्स वुड इट यूजली टेक फॉर द डिवोर्स प्रोसेस? तो जो क्वेरिस्ट है हम उनकी ये क्वेरी है, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कनाडा में पीआर सिटीजनशिप के लिए या पीआर के लिए परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करा था और इनको अब वो एप्लीकेशन उनका प्रोसेस हो गया है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस होने से पहले इनकी और इनकी वाइफ के बीच में इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, इस वजह से दोनों के मन में था कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। और अब जब उनको पीआर मिल गया है, वहाँ पे कनाडा से इनवाइट आ गया है टू बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ओवर देयर, ये चाहते हैं कि डिवोर्स की जो प्रक्रिया है इंडिया में मैं ख़त्म ही कर दूँ, इंडिया में पूरी उसे कंप्लीट करके कनाडा में जाऊँ। और ये श्योर नहीं है कि डिवोर्स अब म्यूचुअल कंसेंट से होगा या कंटेस्टेड होगा। तो इनकी ये क्वेरी है, इन लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स इनकी क्वेरी ये है कि क्या वो कनाडा में जा सकते हैं विद द ऑनगोइंग डिवोर्स प्रोसेस, क्या वो कनाडा जा सकते हैं और कितना टाइम लगता है डिवोर्स प्रोसेस को पूरा होने में। तो टू आंसर दिस क्वेरी, नंबर वन, अगर आपका एक डिवोर्स प्रोसीडिंग इंडिया में चल रहा है तो ऑफकोर्स यू कैन रीलोकेट टू एनी कंट्री, क्योंकि जब आप रीलोकेट करते हैं तो आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पासपोर्ट या वीज़ा, उसमें आता है कि यू आर ईदर सिंगल पर्सन और अ मैरिड पर्सन और अ सेपरेटेड पर्सन। तो इसमें आपका सेपरेटेड या डिवोर्सी का जो होगा चेकबॉक्स, उस पर आपको क्लिक कर उस पर आपको टिक करना होगा। तो इफ देर इज एन ऑप्शन फॉर यू नो अ डिवोर्सी और अ सेपरेटेड पर्सन टू गो अब्रॉड, देन ऑफकोर्स अ पर्सन हुज जिनका एक डिवोर्स प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ही कैन ऑफकोर्स रीलोकेट। नंबर टू, इनका ये क्वेरी है कि ये नहीं जानते कि म्यूचुअल डिवोर्स होगा या कंटेस्टेड होगा। तो वो तो डिपेंड करता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर दोनों डिवोर्स चाहते हैं तो दे कैन वेरी वेल मूव एन एप्लीकेशन फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। अगर वाइफ नहीं चाहती, इन दिस केस अगर वाइफ नहीं चाहती कि उनका डिवोर्स हो हस्बैंड के साथ, तो दी हस्बैंड विल नीड टू कंसल्ट अ लॉयर, उनको देखना होगा कि ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स बनते हैं या नहीं इन द गिवन फैक्ट्स, एंड अकॉर्डिंगली उन्हें एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज थ्रू अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं, बट जो दूसरी साइड है लाइक इन दिस केस जो वाइफ है, मान लीजिए कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए हस्बैंड ने फाइल करा, बट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द वाइफ अग्रीज टू द डिवोर्स। इनिशियली वो हो सकता है डिवोर्स ना चाह रही हो, बट जैसे जैसे प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है वो डिवोर्स चाहती है। सो इन दैट केस दैट कंटेस्टेड डिवोर्स की जो पिटिशन है इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो फिर उसमें वो वाला जो प्रोसेस है वो लागू होगा। इनकी जो थर्ड क्वेरी है वो ये है कि क्या इन्हें पर्सनली प्रेजेंट रहना पड़ेगा डिवोर्स के प्रोसेस के दौरान? तो डिवोर्स के प्रोसेस के दौरान पर्सनली प्रेजेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ये अब्रॉड चले जाते हैं तो इंडिया में अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके जाते हैं टू कैरी ऑन द डिवोर्स प्रोसेस या इनिशिएट या फिर उसको कैरी ऑन करना या उसे परस्यू करना डिवोर्स प्रोसेस को इन इन हिज बिहाफ ऑन द हस्बैंड्स बिहाफ, तो द पर्सन हु इज होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द पर्पस ऑफ फाइटिंग दिस डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, वो उनके बिहाफ पे ये डिवोर्स का जो केस है उसको प्रोसीड कर सकते हैं, इन द सेंस कि वो लॉयर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली कि क्या फैक्ट्स हैं, किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स हो रहा है, और जो भी रिक्वेस्ट प्लीडिंग्स हैं या पेपर हैं या पिटिशन हैं और रिप्लाइज हैं एप्लीकेशन हैं, उन सबको वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो उन्हें उनके बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। और इनका फाइनल क्वेश्चन जो है वो ये है कि कितना टाइम लगेगा? अब डिवोर्स के केस में टाइमलाइन देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, कितने फैक्ट्स हैं जो एक पार्टी अलेज कर रही है और कितने फैक्ट्स हैं जो एक दूसरी पार्टी कंटेस्ट कर रही है, और उसका जो एविडेंस है वो कितने टाइम में पूरा होता है। अब जो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स होता है वो जल्दी हो जाता है, दैट इज अ प्रोसेस विच टेक्स अबाउट अ ईयर्स टाइम। अब उसमें जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है सेकेंड मोशन का,
कई बार कोर्ट्स दे फोरगो इट, जो सेकंड मोशन का कूलिंग ऑफ पीरियड है 6 मंथ्स का, उसको कई बार कोर्ट्स फोरगो करती हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट इज अ प्रोसेस विच टेक्स अबाउट एन ईयर, मतलब साल तक लग सकता है। बट कंटेस्टेड डिवोर्स में इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स में इस चीज पे डिपेंड करता है कि दूसरी साइड आपकी जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है उससे अग्री करती है या नहीं। कई बार होता है कि डिवोर्स की पिटिशन फाइल करने के बाद मैटर जाता है मीडिएशन में। मीडिएशन में दूसरी साइड अग्री कर जाती है, या दूसरी साइड जो है वो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है जो पिटिशनर अग्री कर जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपने क्या फैक्ट्स अलेज किए हैं अपनी पिटिशन में। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच यू हैव फाइल्ड द डिवोर्स पिटिशन, क्रूएल्टी या फिर डेजर्शन या किसी भी, जो भी ग्राउंड्स आपने डाले हैं, उन ग्राउंड्स के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आप किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो गिविंग टाइमलाइन विद रिस्पेक्ट टू अ कंटेस्टेड डिवोर्स इज वेरी डिफिकल्ट, बट ऑर्डिनरीली 2 से 5 साल लग सकते हैं, और अगर पार्टीज अपील में जाती हैं तो उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। तो आई गेस दैट्स अबाउट इट। हमारी क्वेरी के जो भी मेन पॉइंट्स थे आई थिंक वी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, एंड वाइल कंक्लूडिंग मैं आपको जना देना चाहता हूँ कि हमने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो भी हमारी ये लीगल डिस्कशंस होती हैं ऑन वेरियस लीगल टॉपिक्स, लीगल अपडेट्स, उसको हम उस पर शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारी ये लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। अभी वो ग्रुप थोड़ा छोटा है क्योंकि अभी स्टार्ट किया है हमने, बट आई एम श्योर एज टाइम प्रोग्रेसेस, जितना हमारी ये आगे बढ़ती रहेगी, ये जो लीगल अवेयरनेस की जो हमारा जो हमारी जो एक मिशन है ये बढ़ता रहेगा। आई एम श्योर द ग्रुप विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। सो आई वुड इन्वाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आप पार्ट बने। सो विद दैट फ्रेंड्स, वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, और अगर आपको लगता है इस डिस्कशन के साथ किसी का फायदा हो सकता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो। सो आई बिलीव दैट दैट्स अबाउट इट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड गुड बाय।